से रुक रुक कर सुबह रुक रुक कर कहाँ लगातार फायरिंग हो रही है। तो 5 बजे सुबह स्टार्ट हुई थी, अभी 8 बज चुके हैं, अभी भी फायरिंग चल रही है। तो एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है कि बंकर दे रहे हैं, बॉर्डर के लोगों को बंकर मिल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बंकर नहीं है। जो बंकर बने भी हैं PWD डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो उन बंकरों में पानी भरा हुआ है, इतने खस्ता हाल है बंकरों की, लोग कहाँ जाएँ तो कहाँ नहीं जाएँ, लोगों के अंदर दहशत है। तो इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, हमारी सरकार के आगे एक ही गुजारिश है तो यही कि इंक्वायरी होनी चाहिए। जो PWD के बंकर बने हैं, जिन बंकरों में पानी भरा हुआ है, उनके ऊपर मैं DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये इन बंकरों की इंक्वायरी कराएं, पानी भरा हुआ है, ये बंकर किस लिए, मच्छी पालने के लिए बनाए हैं या लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए हैं। तो और भी कुछ लोग, काफ़ी लोग रह चुके हैं जिनके बंकर नहीं बने, मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे लोगों को बंकर दिए जाएँ। हमारी सेना मुँह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दे ही रही है, हमारे लोग भी बॉर्डर के सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन बंकर बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। बंकरों के बिना हमारे लोग कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लेकिन यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बंकर ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि बॉर्डर के लोग अपना जो अपनी सेफ्टी से रह सकें। फायर में पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है नौशहरा सेक्टर में, और भारतीय सेना के एक जवान दीपक कुमार ने इसमें शहादत पाई। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा लाया गया। अब उनका पार्थिव शरीर है जो पोस्टमार्टम के बाद यहां से ले जाया जा रहा है, और नौशहरा के लोगों द्वारा Ah!
रहा है, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये सहा नहीं जा रहा। जितने भी युवा हैं वो भी जैसे देख रहे हैं कि जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फिर से दो फाड़ दिया जाए। और जैसी ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम सुबह उठेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान अपने ही रहा, उसे हम नक्शे से मिटाने का समय आ गया है। और मैं एक बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी पीओके जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसे वापस लिया जाए और पाकिस्तान को एक कड़ा सबक सिखाया जाए। और ये जो दीपक जी हवलदार दीपक जी जो यहाँ पर आज शहीद हुए उन्हें हम नमन करते हैं और हमारे नौशहरा वासियों की संवेदनाएं उनके पूरे परिवार को साथ हैं और हम अपनी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30-35 साल से जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है वो पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान एक उग्रवादियों का देश है। और वो जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेना है और उनके साथ जो सिविलियन एरिया है उसको भी टारगेट करता है। आज सुबह ही करार सेक्टर, बागोड़ी सेक्टर में, जींग में, रात को शेर मकड़ी लाम सेक्टर, जंगल सेक्टर में पाकिस्तान ने इतनी जबरदस्त फायरिंग की जिसका कोई हिसाब नहीं। और सिविलियन एरियाज को भी उन्होंने हिट किया। तो आज कलाल में हमारे नौजवान दीपक हवालदार जी वो आज उन्होंने शहादत दी और वो इस देश के लिए आज कुर्बान हो गए। उनकी शहादत को पूरा देश जो है नमन करता है और उनके परिवार के साथ भी देश के सभी लोग जो खड़े हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को जो है इसके दांत कटे किए जाए और पाक ऑक्युपाइड एरिया जो इसके पास है उसको छीना जाए। वो हिंदुस्तान का एरिया है और ये अब चाइना के साथ मिलके दोनों मिलके चाइना और पाकिस्तान इंडिया को कमजोर करने की काफी अच्छा से कोशिश कर रहे हैं। तो दीपक शहीद दीपक जी को मैं नमन करता हूँ और उनके परिवार वाले जो लोग हैं उनके साथ यहाँ के नौशहरा के जितने लोग हैं क्या हिंदुस्तान की पूरी जनता उनके गम में हम सब शरीक है। और हम पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि दीपक जी को उनको उनके स्वर्ग में वास जो है उनको स्वर्ग में जगह मिले और घर वालों को ये सदमा सहने की उनको शक्ति दे और इस देश के वासी लोगों को इतनी जरूरत और ताकत दे कि आर्मी के